अस्सलामु अलैकुम। असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ग्रीन मसाला फ़िश पे लगाने का तरीका बता रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होता है। जिन्होंने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपके पास आए। बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं हम। हाफ़ के जी के करीब फ़िश ली है मैंने। ये काला रोहू फ़िश है, हाफ़ के जी के करीब फ़िश है। 3 टीस्पून के करीब मैंने दही लिया है। 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून पुदीने का पेस्ट है। 2 टीस्पून हरे धनिए का पेस्ट है। 2 अदद लेमन जूस लिया है और 2 टीस्पून भर के मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। ये तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें इसका पेस्ट लिया है। 1/2 टीस्पून नमक है। बहुत ही टेस्टी ये मसाला, ग्रीन मसाला लगा के आप फ्रीज़र में रख दें और उसको जब फ्राई करनी हो निकालें और फ्राई करें, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। इसमें मैंने एक बॉल ले लिया है। एक बॉल के अंदर मैंने दही शामिल कर लिया। ये 3 टीस्पून के करीब दही है। पुदीने का पेस्ट, हरे धनिए का पेस्ट, बिस्मिल्लाह, हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन कुटा हुआ और नमक शामिल करेंगे। मसाले को मिक्स करेंगे। जो लाल मिर्च नहीं पसंद करते वो भी ये मसाला बना के आप फिश पे लगा के रख दें, बहुत ही टेस्टी टेस्ट आता है इसका। ये लेमन जूस है, 2 अदद लेमन जूस थे, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी। मिक्स करेंगे। अब हम इसको फिश पे, एक एक फिश पे पूरा अच्छे तरीके से मसाला लगा के, ये हम इसके अंदर फिश को डिप करेंगे, एक एक फिश को। ये देखिए ऐसे करके लगाना है मसाला, इसको पकड़ना है और ऐसे पकड़ के इसी तरह हमने सारी फिश को लगा लेना है मसाला। ये देखिए मसाला हमने सारा हरा मसाला इस पे फिश पे लगा लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम।